सूरजा, भाभी तो नहीं आई? कहाँ है भाभी? कहाँ है बेटा? आए सूरज, बीनी कठे। रे माँ बताऊं संतोष, कठे है तेरी बीनी। रे संतुड़ी, थर छोरा का माथा पे कोई भूत पिशाच चढ़ गए हो के? अरे हार जीत तो होती रवे है, तेरी बीनी हार गई। जे कौन सी ऐसी बात बता रही हो जो ब्रह्मा जी के कहे उपरांत चली गई हो? जे तो पहले से ही पता था कि पिसका कर कर आएगी। पर उसने कोशिश तो की ना, बापड़ी को हाथ भी जल गयो। पर जे, अरे उसने अस्पताल ले जाने की बजाय स्कूटर पे बैठकर ये जाए वो जाए, बिचारी ने एकली छोड़कर आएगो बठे। नहीं, के बात करो दाईसा, मारा छोरा ऐसा ना है, ऐसा निर्दयी ना हो सके मारा सूरज। अरे मैं झूठ बोलू ना तो आसमान से तारो गिरे मारे माथा पर और माथा पूछ जाए मारो। अरे पूछ अपना इस दीन दयाल से। हाँ बोल सूरज, बोल दे इनसे कि झूठ बोल रही है। अरे बोल ना। सूरज, जो ये कह रही है सच कह रही है? अरे के कर रही है तू? ले अटे से शुरू कर। भाबू देखिए ना, मेरे सर में बहुत खुजली हो रही है, शायद से कहीं जूतो नहीं है। अब देखिए ना भाबू। रे गिलेरी, बड़े खड़ी खड़ी क्या करे? दुकान की साड़ियां में तो बहुत ध्यान दिया करे तू, अरे कदे काओ घर की साड़ियां में भी ध्यान दिया कर। चल आई आई। अरे ले, अरे जल्दी ना चतुरी। अरे ध्यान दे, सीधी बैठ। लीजिए और एक कप चाय। कल से आपके लिए चाय भगोने में नहीं ड्रम में चढ़ाया करूंगी। सुबह से ये पांचवा कप है। अरे तू नहीं समझेगी, टोटका है ये। तू भी जब रसोई की प्रतियोगिता में जाती थी ना तो मैं पीछे से 5 कप चाय पिया करता था और फिर तू जीत के आती थी। अब मारी बहू के लिए भी मैं यही टोटका कर रहा हूँ, देखना वो जीत के आएगी पक्का। कभी कहूँ मैं हमेशा हार क्यों जाती थी, उन्होंने तो कभी इतनी चाय ना पी। हाँ, खैर इंद्र देवता बोलेंगे कि स्वर्ग में बहुत अच्छी खिचड़ी बनी है। लियो जी, आपके लिए एक थाली लेकर आए हो। ये टोटका होने तो फिर बोलता हूँ। साची बाबो? हाँ, तने भी जाना है बठे, चटोरी कटे की। सपना देखना है ना तो मोटा मोटा देखा करो, ये छोटा छोटा सपना देखने को क्या मतलब है बाबो? अरे रोज सुबह उठकर मारे हाथ का थोलिया खा लिया कर, थारे माथे की खुजली मिट जाएगी। बाबो 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 कुछ ना है, जा। मीनाक्षी भाभी, आपकी नजर तो बहुत तेज होगी ना भाभू से। अब जो भाभू को नहीं दिख रहा वो शायद से आपको दिख जाए। इतनी सारी जुएं हैं मेरे सर में, आप देखो ना। आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मारी परियों की रानी आ जाए। भाभू ये आ जा, जा। भाभी अच्छे से देखिएगा। हाँ हाँ, अच्छे से ही देख रही हूँ। मिली? नहीं नहीं, हाय मेरी लाल परी की ना रूसी ना जू है, एकदम प्यारे काले घने बाल हैं।
सूरज आ गया। सूरजा, सूरजा क्या हुआ? जीत गई ना भाभी, पर छाड़ दिया ना सबको? कहाँ है भाभी? सूरजा, भाभी तो नहीं आई? कहाँ है भाभी? कहाँ है बेटा? आए सूरज, बीननी कठे है। रे मां बताऊं संतोष, कठे है तेरी बीननी। रे संतूरी, थारा छोरा का माथा पे कोई भूत पिशाच चढ़ गयो है के? अरे हार जीत तो होती रवे है, तेरी बीननी हार गई। जे कौन सी ऐसी बात बता रही हो जो ब्रह्मा जी के कहे प्राण चली गई हो? जे तो पहले से ही पता था कि फिसका कर कर आएगी। पर उसने कोशिश तो की ना, बापड़ी को हाथ भी जल गयो। पर जे, अरे उसने अस्पताल ले जाने की बजाय स्कूटर पे बैठकर ये जाए वो जाए, बिचारी ने एकली छोड़कर आएगो बटे। नहीं, के बात करो दाईसा, मारा छोरा ऐसा ना है, ऐसा निर्दयी ना हो सके मारा सूरज। अरे मैं झूठ बोलू ना तो आसमान से तारों गिरे मारे माथा पर और माथो फूट जाए मारो। अरे पूछ, पूछ अपना इस दीनदयाल से। हाँ बोल सूरज, बोल दे इनसे कि झूठ बोल रही है। अरे बोल ना। सूरज, जो ये कह रही है सच कह रही है? क्या है संतूरी, अपने टाबरों को गुस्सा दबाना ना सिखाया तूने? अब बीननी ने कोई इंसान तो ना मारे थे ना वहां पर, जो ऐसा बर्ताव किया इसने? अब हो जावे है कभी कभी। अब गुलाब जामुन फूलिया होनी, थोड़े कड़े बन गए थे, इतने कड़े कि किसी के माथे पर देखकर मारो ना तो वो आदमी चार दिन तक मैं कहां हूं करतो फिरे। फिर भी इतना गुस्सा, चाशनी थोड़ी बिगड़ गई थी, अजीब सी बन गई थी, लेकिन इतनी भी अजीब ना थी कि अपनी हाथ जली लुगाई ने आया एकलो छोड़ा वे। मन तो बहुत ही दुख हुयो। मैं तो बिना बोली भी थी कि चल मारी जीप में बैठकर चल ले, पर वह मानी को नहीं, मना कर दी। अब बिचारी पैदल पैदल चाल कर आ रही हो सी, अपना जलावा हाथ से सामान उठाए। हे भगवान, मेरो तो बहुत ही जी घबरा रहे है। मैं तो चालू आपकी बीननी का हाथ से ठंडी ठंडी नींबू की सिकंजी पीऊं। हैं? चालू। के घुस गया तारे में? जो ऐसे जानवर जैसा बर्ताव कर रहा है, क्यों खिल्ली उड़ा रहा है सबके सामने? वही सूरज है ना तू, जो कॉलेज में सम्मान दिलाने के लिए अपना हाथ कटा दिया था। मासा के गांव में सर्दी भगाने के लिए रात भर आग जलाई थी इसके लिए, और उसके बाद उसके साथ ऐसे बर्ताव कर रहा है जो सूरज कभी दुश्मन के साथ भी ना करे। के कर रहा है सूरज, मेरे तो कुछ समझ में ना आ रहा है। अच्छाई गुपचुप में और गुस्सा सबके सामने। रे दुनिया के सामने क्यों पत्थर बना फिर रहा है? हाँ रे, मारी तो नाक मना कटाए। हे मारा राम जी, करम फूट गया है मारा। ओ, 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 ओ,
साड़ी पर कीमत की पर्ची लगी छोड़कर क्या दिखाना चाहते हैं आपके भाई साहब? सबके सामने यही दिखाना चाहते हैं ना कि वो अमेरिका में बैठ के कितने बड़े और कितने अनोखे अमीर हैं। गलती करे वो और उनको यहाँ पे बैठ के सहते रहे हम लोग। शुरू से लेके आज तक इस रिश्ते में गलतियों के अलावा उन्होंने और क्या किया है संध्या जी? अब जरा आप अपने आप से एक सवाल पूछ के बताइए संध्या जी, क्या आपने पत्नी से जुड़े सारे कर्तव्य निभाए? जो खुद अपराधी हो वो दूसरों को अपराध से रोकने की शिक्षा ना दे। किसी को खाना बनाना सिखाने से आसान है ऐसे खाने की आदत डाल लेना। मेरी तो लुगाई ने बनाया है ना, मेरा तो ये खाना खाना मजबूरी है, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा। अपने माता पिता की खुशी का आपको हर वक्त ध्यान रहता है, आज आप मेरी माँ की खुशी के लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती है। अगर इससे बाबा को खुशी मिलती है और मेरा फर्ज पूरा होता है तो मैं प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगी। क्यों मोहल्ले में अपना और हम सब का मजाक उड़ाने में तुली हैं आप? ये आपसे नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, आप कोई बहाना मार के चुपचाप बैठ जाइए। अरे जल्दी कीजिए संध्या जी, जल्दी कीजिए, इतनी आसान परीक्षा ना है ये वो परीक्षा ना है जो आप तीसरे नंबर पे आई थी पूरे राजस्थान में। आप यहां पे कुछ काम था क्या आपको? आया तो तुझे डांटने को था बेटा, पर अब समझने की कोशिश कर रहा हूं क्या चल रहा है तारे भीतर है? दिखा कुछ और रहा है, मन में कुछ और है, क्या छुपा रहा है बेटा?